सही कुछ लाज शर्म कुछ है भी या नहीं? आई अब सब कुछ गलत समझ रही है। हम मिस्टर विराट चौहान को अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट किस लिए और आपको यहाँ किसने बुलाया? हाँ मैंने। तो अपने पहले पति की सेवा में इतनी मगन थी सही कि मैं घर आई हूँ इसका भी तुझे पता नहीं चला। तभी मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लिया था इसे अरेस्ट करने के लिए। वहां मेरा बेटा जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा है और यहाँ ये आदमी आराम से सो रहा है। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कीजिए इसे, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। ले चलो इन्हें। नहीं एक मिनट रुकिए, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते, ये नागपुर शहर के DCP है। हम जानते हैं मैं, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन है अटेम्प्ट टू मर्डर की, इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। ले चलो। नहीं एक मिनट, आई प्लीज, अब विराट की हालत देखिए, वो बेहोश पड़ा हुआ है। सही है, सिर्फ बेहोश पड़ा है। और मेरा बेटा एक एक सांस के लिए लड़ रहा है और वो किसकी वजह से? इस आदमी की वजह से। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि सत्या की हालत का जिम्मेदार विराट है? क्या आपके पास कोई भी सबूत है कि सत्या के एक्सीडेंट में विराट का हाथ था? ये सबूत है। इसे तू ही लेकर आई थी ना एक्सीडेंट वाली जगह से, और उस टाउन हॉल के पार्किंग वाले आदमी ने क्या कहा था कि उसने विराट और सत्या को सत्या के गाड़ी में साथ जाते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात सही, अगर ये दोनों साथ में थे तो मेरा बेटा वहां हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है और ये यहाँ आराम से सो रहा है। है कोई जवाब तेरे पास? बोल ना। देख सही, अगर तू अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती ना, तो कम से कम मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करने से मत रोक। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कीजिए इसे। नहीं एक मिनट, आई प्लीज, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सत्या भी होश में नहीं है, विराट भी होश में नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आजी अब समझाइए नायक को कि वो ऐसा नहीं करे, रोकिए ना इन्हें, इन्हें बोलिए कि ये सिर्फ गुस्से में सोच रही है। इंस्पेक्टर साहब आप एक DCP को ऐसे बेहोशी की हालत में अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए मैम, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। ले चलो इन्हें, उठाओ। आई प्लीज रोकिए। हेलो। हेलो साई, सत्या को होश आ गया है, तुम प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सत्या को होश आ गया है? मेरे घर पे था लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने विराट को अरेस्ट कर लिया? क्यों? वो मैं अभी नहीं समझा सकती, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, सत्या को होश आ गया है, अब वही बताएगा कि हुआ क्या था। आप लोग भी प्लीज जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचिए, विराट अभी भी नशे में है। विराट नशे में? ये क्या हो रहा है सब? कैसे सत्या और उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया? घबराने की कोई बात नहीं है डॉक्टर, सत्या के सर में कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है और उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। कैसा महसूस कर रहे हो? जिंदा हद है,
अभी भी मजाक सूझ रहा है? क्यों? एक्सीडेंट होने के बाद आदमी मजाक नहीं कर सकता क्या? कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है सत्या। तुम और विराट ऑडिटोरियम से निकल के कहाँ गए थे और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? पता नहीं सही, लेकिन अचानक से क्यों पूछ रही है? ठीक तो है ना? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बताओ ना तुम्हारे बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। हम लोग ऑडिटोरियम के टेरेस पर मिले थे, उसके बाद याद ही नहीं है। सब कुछ ब्लैंक है। लेकिन हुआ क्या है सही? विराट ठीक तो है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? सत्या प्लीज याद करने की कोशिश करो, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सत्या मुझे सचमुच में कुछ याद नहीं आ रहा। हम लोग ऑडिटोरियम की छत पर कुछ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे मुझे वो भी याद नहीं है। हम वहां कैसे पहुंचे, उसके बाद कहां गए, मुझे सीरियसली वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन सही, तुम इस बात पे इतना जोर क्यों दे रही हो, मुझे ये तो बताओ। विराट को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। क्या? क्यों? तुम्हारी आई ने विराट के अगेंस्ट कंप्लेन करी है, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। तुम इस हालत में मिले और तुम्हारी गाड़ी के पास विराट का फोन मिला, तो आई को लग रहा है कि विराट ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी है। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि प्लीज याद करने की कोशिश करो कि क्या हुआ था एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच। सही, मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं सत्या, तुम्हें याद नहीं आएगा तो विराट मुसीबत में फंस जाएगा। प्लीज याद करने की कोशिश करो प्लीज। तुम्हारे बीच में क्या बातें हुई थी, तुमने क्या कहा था, कहाँ गए थे और तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, याद करो सत्या प्लीज। सत्तू, तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत दे। सही, मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं आ रहा। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। देखो तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम आई से रिक्वेस्ट करो ना कि वो ये केस वापस ले ले। सही, मुझे नहीं लगता है मेरी बात सुनेंगी। वो मुझे इस हालत में देखकर खुश नहीं होगी। तुम्हें तो पता है वो कैसी है, वो कितना प्यार करती है मुझसे। सत्या, लेकिन तुम कहोगे तो शायद आई मान जाएंगी। तुम कोशिश तो करो प्लीज। सुन, मैं क्या बोलकर आई से बात करूंगा, क्या समझाऊंगा मैं? मुझे तो खुद भी कुछ याद नहीं है सही। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं आई से बात करूं और तो वाकई लगता है कि विराट ने कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसीलिए नहीं, तुम खुद भी तो बताओ। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि विराट तुम्हारी ऐसी हालत करेगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है क्या? नहीं ना। देखो सर, मुझे वाकई कुछ याद नहीं है, और जहां तक बात है विराट पर भरोसा करने की तो उसके लिए मेरे पास कोई खास वजह नहीं है। तुम्हें याद नहीं कैसे हमारी शादी तोड़ने के लिए आ गए थे, और अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, वो भी सबके सामने। तेरा जो कोई भी रिश्ता होगा ना, वो सही के साथ होगा, लेकिन मेरे बच्चों के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचना भी मत। मैं जान ले लूंगा तेरी। I'm sorry sir, लेकिन मैं खुद विराट पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम ये सब क्या सोच रहे हो सत्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कमाल है सही, मैं यहाँ हॉस्पिटल में टूटा फूटा पड़ा हूँ और तुम कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अरे कुछ तो हुआ होगा ना सही, मैं जादू मंदिर से तो यहाँ नहीं पहुंचा। तुम्हें याद नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि विराट ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा इंसान ही नहीं है कि ऐसा कुछ करे।
विराट ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ विराट को अच्छी तरीके से। लगता है तुम्हें विराट पर सबसे ज्यादा भरोसा। हाँ, मैं विराट पे बहुत भरोसा करती हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि विराट निर्दोष है। अगर इस वक्त भी मेरे बेटे के बजाय तुझे उस विराट की चिंता खाए जा रही है ना सही, तो अच्छा होगा तू यहाँ से चली जा। जा, तुझे जो करना है ना वो कर। मैं मेरे बेटे का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। यहाँ रुककर अगर उसकी देखभाल नहीं करनी है ना तुझे, तो यहाँ रहकर टेंशन भी मत दे, चली जा यहाँ से। मुझे सत्या की परवाह है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और बाबा का लाख लाख शुक्र है कि सत्या होश में आ गया है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। सत्या के डिस्चार्ज होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे बच्चों के बाबा को मेरी जरूरत है। उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो जेल में है, और उन्हें निर्दोष साबित करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वाली मेडिसिन आधे घंटे बाद, और ये दवाई खाना खाने के बाद खा ले। ठाओ, क्या हुआ था? तुम और सत्या तो साथ में निकले थे ना, उसके बाद क्या हुआ? नहीं पता बाबा, कुछ नहीं पता मुझे। सही के घर कैसे पहुंचा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा है तुझे? ऐसा कौन सा नशा कर लिया तूने? बात को समझ, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताया ना तो ये लोग तुझे जेल में डाल देंगे। याद करने की कोशिश कर, क्या हुआ था याद कर। काकू कहाँ ना, नहीं पता है मुझे, नहीं याद आ रहा है। बरोबर शांत हो, लेकिन बस याद कर। सर, सर आपसे कोई मिलना है। कौन? सही सही, तुम्हें तो पता है ना अपना विराट ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। विराट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ ना अपने पति के पास, जाओ, हॉस्पिटल में है ना वो। वैसे भी उस आदमी से क्यों बात करनी है जिस पर तुम्हारे पति के एक्सीडेंट का इल्जाम लगा है? तुम जाओ ना, प्लीज जाओ। विराट मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे और सत्या के बीच में हुआ क्या था। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने पति से पूछो ना, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। सत्या भी वही बोल रहा है कि उसे भी कुछ याद नहीं है, और उसके आई ने तुम पर इल्जाम लगाया है। विराट प्लीज याद करने की कोशिश करो प्लीज। विराट पर जिस औरत ने इल्जाम लगाया है वो सिर्फ सत्या की आई नहीं, तेरी सास भी है। तू भी बराबर की हिस्सेदार है। किस बात का बदला ले रहे हो तुम लोग हमारे विराट से? आपको जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए। मेरे पास आपको सफाई देने का ना ही वक्त है और ना ही कोई जरूरत है। मैं खुद ही सबूत ढूंढ लूंगी कि विराट और सत्या के बीच में आखिर हुआ क्या था, और मैं विराट को बेगुनाह साबित करके रखूंगी, भले ही विराट को कुछ याद नहीं आ रहा। मस्त मस्त, ये बहाना का नाटक ना कहीं और जाकर कर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, जाय करना। पता लगाना हो कि आखिरकार सत्या का एक्सीडेंट हुआ कैसे, उन्हें कोई सबूत, कोई सुराग जरूर मिलेगा।
सुनसान है, लगता है किसी का आना जाना भी नहीं है। कब आना जाना है? कुछ तो होगा, कोई सबूत, कोई सुराग मिलेगा जो उन्हें काम आ सके। कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि हुआ क्या था। छोड़ जी, सीसीटीवी। भाऊ, कोई है? भाऊ, कोई है? हेलो मैडम, काय झालं? ये एटीएम चल रहे नहीं क्या? आप इस एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड है? हो। भाऊ, वो जो सीसीटीवी कैमरा है ना, मुझे उसकी फुटेज चेक करनी है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। आपको सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए? देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक एक्सीडेंट हुआ था, ये फुटेज देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। देखिए मैडम, ऐसा हम किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। अगर आपको एक्सीडेंट के टाइम की फुटेज देखनी है तो पुलिस को साथ मिलाना पड़ेगा। अगर पुलिस कहेगी तो ही वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूँ। पुलिस बोलेगी तो दिखाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, अभी बुला लेती हूँ। हेलो। हेलो कदम सर, मैं सही बात कर रही हूँ। आप अपने विराट के बारे में तो सुना ही होगा ना, आपको पता चला होगा। हाँ वो मैम। देखिए ना, उसी सिलसिले में मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए प्लीज जल्दी। ओके मैम, आता हूँ मैं। हाँ जी। अभी ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन प्लीज इनका अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले। इनके हाथ में फ्रैक्चर है जो कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा केयरफुल रहें तो अच्छा होगा। जी डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गया। चल घर चलते। हाँ सही की राह देख रहा है ना तू? उसने कहा तो था कि डिस्चार्ज मिलेगा ना तो वो आ जाएगी। गौरी, सही को फोन लगा और उसे ना उसका पत्नी धर्म याद दिला। वो फोन नहीं उठा रही, जाओ दे। उसके लिए ना मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी वो विराट है ना। एक मिनट पॉज कीजिए, अब इसको जूम कीजिए। विराट सत्या के साथ है। इसका मतलब विराट सर इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो सकते हैं। अब फिर से प्ले कीजिए। एक मिनट पॉज कीजिए। ये देखिए कदम सर, विराट तो गाड़ी से उतर रहा है। इसका मतलब विराट सत्या के साथ नहीं था एक्सीडेंट के दौरान। विराट पहले उतर गया, इसका मतलब विराट निर्दोष है। मैं अभी इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।